हेलो दोस्तों, सिविल जॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मिनी मून, जो कि अभी रिसेंटली ये टर्म करंट में आई है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते गाइस, मिनी मून, इसको 2020 CD3 के नाम से भी जाना जा रहा है। ये है क्या चीज़? ये एक एस्ट्रॉयड है जो कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ के पास आ गई है और अर्थ का चक्कर लगा रही है। तो इसको हम सेकेंड मून के नाम से या फिर मिनी मून, और इसको एक साइंटिफिक नेम दिया गया है 2020 CD3 के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। ये इसका एक कार क्या जितना साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग उस उतना इसका साइज़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 से 3 मीटर है इसका डायमीटर। तो इसको टेम्प्रेरी कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा, टेम्प्रेरी कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इस तरीके से UPSC क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपको अगर याद हो तो 2015 का जो पेपर था UPSC का प्रीलिम्स का, उसमें उसने गोल्डीलॉक जोन के बारे में पूछा था, ठीक है गाइस। तो गोल्डीलॉक जोन क्या होता है? एक हैबिचुअल जोन होता है जो सोलर सिस्टम के अंदर, जिसमें जो प्लेनेट होता है सन के ना ज़्यादा दूर होता है ना सन के ज़्यादा पास होता है। तो एक हैबिचुअल जोन होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, जिसमें लिक्विड वाटर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसको गोल्डीलॉक जोन कहते हैं, जिसमें हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ गोल्डीलॉक जोन में आती है। तो ये 2015 में पूछा गया था। तो ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है टेम्परेली कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो टेम्परेली किसी प्लेनेट की ग्रेविटी से पास आ जाते हैं और उसके चक्कर लगाने लग जाते हैं अपने ऑर्बिट बना के, ठीक है। तो याद रखिएगा टेम्परेरी है ये, इवेंचुअली क्या होगा, ये अर्थ के ऑर्बिट से खुद ही निकल जाएगा और अपने रास्ते चला जाएगा, ठीक। तो अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम है जो ऐसा मिनी मून या फिर जो अर्थ का एक और एस्ट्रॉयड चक्कर लगाने लग गया, नहीं ये फर्स्ट टाइम नहीं है। 2016 में नासा ने एक और ऐसे एस्ट्रॉयड फाउंड किया था जो 2016 HO3 नाम दिया था इसको। तो याद रखिएगा फर्स्ट नहीं है। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, देख लीजिए, ये अर्थ है, ये मून है, और ये छोटा सा ये हमारा मिनी मून है। टेम्प्रेरी है पर है तो सही अभी। तो कैटालिना स्काई सर्वे हुआ है उसकी द्वारा ये फाउंड किया गया है, ठीक है, इस सर्वे में इसको फाउंड किया गया है, इस मुनी मून को, जिसको हम CD3 2020 CD3 कह रहे हैं। तो अब मून का जिक्र हुआ है तो हम थोड़ा अपारे सोलर सिस्टम के मून्स के बारे में भी जान लेते हैं। जुपिटर जो प्लेनेट है उसका एक मून है गैनीमेड, ठीक है, लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम का, और गैलीलियो गैलीली ने इसको फाउंड किया था 1610 में। लो, ये भी एक मून है जुपिटर का ही, मोस्ट वॉल्केनिकली एक्टिव बॉडी है हमारी सोलर सिस्टम की, सबसे ज़्यादा वॉल्केनो यहीं फटते हैं। यूरोपा फ्रोजन है और जुपिटर का मून है, ठीक है, तो ये तीन याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देन सैटर्न, सैटर्न एक प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, इसका एक इम्पोर्टेंट जो है मून है टाइटन। दो इसके मून है एपिमेथियस और जेनस, ये क्या करते हैं, एक ही ऑर्बिट पे चलते हैं, मतलब एक ही ऑर्बिट है उसी पे दोनों है, ठीक है, तो एक दूसरे से टकराते नहीं है, इनका पता नहीं कैसे एल्गोरिथम चलता है, जो अगर ये फास्ट होता है, एक फास्ट होता है तो दूसरा भी फास्ट हो जाता है, एक स्लो होता है तो दूसरा भी स्लो होता है, तो इन दोनों का टक्कर नहीं होती है, तो एक ही ऑर्बिट पे चलते हैं। एक और मून है सैटर्न का, वो है माइमस, ठीक है गाइस। आगे देखिए नेपच्यून का एक मून है ट्राइटोन, इसकी एक यूनिक चीज़ है मून के अंदर, क्या है वो, ऑर्बिट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये के जो चक्कर लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, जो प्लेनेट होता है उसके डायरेक्शन में नहीं लगाता। जैसे कि अगर हमारी अर्थ है जो कि वेस्ट टू ईस्ट जाती है, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में मून भी चक्कर लगाता है, पर जो ट्रिटोन है नेपच्यून से अपोजिट लगाता है, बिल्कुल अपोजिट इसका ऑर्बिट है, तो इसको रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहा जाता है इस ऑर्बिट को। तो याद रखिए ट्रिटोन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट करता है, चक्कर लगाता है नेपच्यून के। प्लूटो का एक मून है चेरोन, ठीक है, तो यह याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है थोड़ी। तो इसमें इस मून के बारे में, मिनी मून के बारे में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक एस्ट्रॉयड है, इसके नाम याद रख लीजिएगा, 2020 CD3 मिनी मून सेकेंड मून, ठीक है, इसको टेम्प्रेरी कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, 2016 में भी एक ऐसा एस्ट्रॉयड आ चुका है अर्थ के और अर्थ का जो चक्कर लगाने लग गया है ग्रेविटी पूल की तरह से। एक मैंने आपको एक चीज़ बता दी है, गोल्डीलॉक जोन, तो इसको भी याद रखिएगा, आजकल रिपीट होने लग गया है क्वेश्चन UPSC में भी, ठीक है गाइस।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज, सेव टाइम, सेव वर्ल्ड एंड प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट. थैंक यू.